अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बने, इसके लिए दशकों तक कानूनी लड़ाई लड़ी गई। फैसला आया कि राम मंदिर बनेगा तो राम भक्तों ने घी के दिए जलाए, लेकिन राम भक्तों को अभी अयोध्या में भव्य राम मंदिर के दर्शन के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जानकारी के मुताबिक राम मंदिर निर्माण के लिए की जाने वाली नींव की खुदाई का नियमित काम 15 अक्टूबर के बाद से ही शुरू होने की संभावना है। तत्काल में आई रिंग मशीन से अभी सिर्फ 1 मीटर चौड़ा और 100 फीट गहरा गड्ढा खोदकर उसमें कंक्रीट का मसाला भरा जाएगा और एक खंभा तैयार होगा। आईआईटी चेन्नई के जरिए इस खंभे की मजबूती की जांच 1 महीने में की जाएगी। इसके बाद लगभग 15 अक्टूबर के बाद से नियमित रूप से नींव की खुदाई और खंभों को भरे जाने का काम शुरू होगा। इतना ही नहीं, इन 1200 खंभों को खोदकर इन्हें भरे जाने के लिए और मशीनें भी लगाई जाएंगी। ये जानकारी राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने मंगलवार को राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र के साथ L&T और ट्रस्ट के अन्य पदाधिकारियों के साथ हुई मीटिंग के बाद दी है। महासचिव चंपत राय ने जानकारी दी कि अभी सिर्फ टेस्ट पाइलिंग की जाएगी, जिसके तहत एक 100 फीट के गड्ढे को खोदकर उसे भरने का काम होगा और उसकी मजबूती की जांच होगी। इसके अलावा चंपत राय ने कहा कि मंदिर कार्य शुरू होने से पहले IIT चेन्नई के तकनीकी विशेषज्ञों के द्वारा हर छोटी से छोटी तकनीकी खामियों की जांच की जा रही है। चंपत राय ने यह भी बताया कि निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था L&T के तकनीकी विशेषज्ञ इस बात की गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं कि निर्माण के लिए सीमेंट कहां से मंगाया जाए, कहां की मिट्टी का इस्तेमाल किया जाए, साथ ही मोरंग की गुणवत्ता क्या होनी चाहिए। इन सभी पर बेहद गंभीरता से बात हो रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि भक्त भव्य राम मंदिर निर्माण में 39 महीनों का समय लग सकता है, यानी कि इंतजार अभी थोड़ा और लंबा खींचेगा। अब जब मंदिर बनवाने के लिए दशकों कानूनी लड़ाई लड़ी है तो थोड़ा इंतजार तो बनता ही है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।